एनसीईआरटी की बात करूं तो सबसे पहले एनसीईआरटी होती है क्लास, हम अपनी तैयारी में इनको ज्यादा वेटेज देंगे। एक ऐसा समय आएगा कि आप ये प्रेडिक्ट कर पाओगे कि इस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 का यूपीएससी प्रीलिम्स हो चुका है, पेपर भी आप लोग देख चुके होंगे, प्री में जीएस का और सीसेट का दोनों का। अगर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर पाओगे। लेकिन अब इसके बाद में जो 2025 या 26 में एग्जाम देने वाले हैं, उनको अपनी स्ट्रेटजी में क्या बदलाव करने चाहिए, किस तरीके से जो अपने सब्जेक्ट को है कवर करना चाहिए। देखिए, हर बार अगर हम जानते हैं कि यूपीएससी में से मॉडर्न हिस्ट्री में से करीब 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार ये ऐसा हुआ है कि मॉडर्न हिस्ट्री में से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए। एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन इस बार जो वेटेज है वो बहुत डिफरेंट था। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब की बात करें तो इनका काफी हाई वेटेज रहा इस बार। तो इन सबको देखते हुए अब एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स को अपनी आगे की स्ट्रेटजी में क्या क्या बदलाव करने चाहिए। देखिए, वही एक ईसीपीटी स्ट्रेटजी के तहत आप जो है नहीं अपना एग्जाम क्रैक कर पाओगे। जिस तरीके से यूपीएससी अपने एग्जाम पैटर्न को, अपने क्वेश्चन पैटर्न को बदल रही है, उस तरीके से आपको बदलना होगा। आपको अपने रिसोर्सेज को चेंज करना होगा। वही ईसीपीटी रिसोर्सेज अगर आप पढ़ते रहे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ एक कंप्लीट स्ट्रेटजी, किस वे में पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ इन फ्यूचर में आपको इस तरीके से एक्सेल फाइल दूंगा जिसमें आप जो है एक सब्जेक्ट को डिकोड करके अच्छे से उसे कैसे कवर करना है पता कर पाओगे, किस सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है। इसके लिए मैंने टेलीग्राम पर अच्छे अच्छे स्लेट डाल रखे हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, आप लोग देख सकते हो, तो उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, वीडियो में जरा सा भी आगे बढ़ने से पहले मैं एक शंका और दूर करना चाहता हूं कि देखो, ना तो हम यूपीएससी के कोई फैमिली मेंबर हैं और ना ही यूपीएससी ने हमें किसी स्टाम्प पेपर पर लिखित में दिया है कि वो हिस्ट्री में से इतने क्वेश्चन पूछेगी, वो ज्योग्राफी में से इतने क्वेश्चन पूछेगी, वो पॉलिटी में से इतने क्वेश्चन पूछेगी। तो हम इन तीनों को ही जो है अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, हम अपनी तैयारी में इनको ज़्यादा वेटेज देंगे, तो ऐसा यूपीएससी ने कदापि नहीं कहा है। तो इसीलिए ये माइंड से हमेशा निकाल दीजिएगा कि इस बार हिस्ट्री में से 12 क्वेश्चन पूछे हैं और या फिर पॉलिटी में से जो है 21 क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं अगली बार पॉलिटी को थोड़ा ज़्यादा वेटेज दूंगा, ताकि क्या है, पॉलिटी में से अगली बार जो है 25 क्वेश्चन पूछेंगे या 23 क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऐसा कभी मत सोचेगा, आपको हर सब्जेक्ट को एक सही वेटेज देना पड़ेगा, तभी आप यूपीएससी के प्री को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब हम चलते हैं हमारी बुक लिस्ट की तरफ। साथ ही साथ मैं आपको एंड में ये भी बताने वाला हूँ कि हमें किस सब्जेक्ट को पहले प्रेफर करना चाहिए, एक दिन में कितने सब्जेक्ट को कवर करना चाहिए, किस तरीके से हम आसानी से जो है अपनी बुक लिस्ट को कम्प्लीट कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, इस तरीके की पूरी जानकारी। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी वो बाउंड्रीज तय कर लेनी है जो यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.nic पर बता रखी है। देखो, लेकिन कुछ लोगों को जो है सिलेबस डाउनलोड करना नहीं आता है, इसलिए मैंने ये बुक आपके सामने दिखाई है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से, क्योंकि देखो जब आप बुक परचेज करोगे ना, मैंने इस बुक को सिलेबस को देखा हुआ है मैंने तो, लेकिन जब आप इस बुक को पढ़ोगे ना, तो इसमें बहुत सारे ट्रांसलेशन एरर्स मिलेंगे काफ़ी जगह। यूपीएससी के पूरे सिलेबस में जितने भी इसने जो सिलेबस दिखा रखा है, उसमें आपको बहुत सारे ट्रांसलेशन एरर्स मिलेंगे, जो आपको कोचिंग के सिलेबस में भी मिलेंगे जो ट्रांसलेट करके दे रखा है उन्होंने। तो मेरा यही कहना है कि एक बार आप सिलेबस को पहले यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से इंग्लिश में डाउनलोड करके समझोगे, फिर यूपीएससी ने ही हिंदी में दे रखा है, लेकिन वहां पर भी कुछ कुछ ट्रांसलेशन एरर्स होंगे, लेकिन फिर जैसे जैसे आप पढ़ोगे सिलेबस को तो आपको समझ आ जाएगा कहां पर कौन से वर्ड में ट्रांसलेशन एरर्स हैं। तो सबसे पहले आपको एक बाउंड्री स्टे करनी है, ठीक है। तो अगर हमने यूपीएससी की एक हमारी बाउंड्री देख ली है, समझ ली है, तो हमारी प्रिपरेशन हमारे एग्जाम टाइम तक एक बहुत ही बेहतरीन वे में चलती रहेगी। तो सबसे पहले ये कीजिए। अब देखो, हम लोग सिलेबस के अनुसार बुक लिस्ट देख करते हैं। देखो, सबसे पहले सबके माइंड में एक डाउट होता है कि प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग होती है या फिर एक ही साथ होती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, देखो प्री में यूपीएससी ने जो है कुछ सिलेबस आपको दे रखा है, कुछ सब्जेक्ट दे रखे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है। तो जब आप मेंस की तैयारी करते हो तो प्री की तैयारी भी हो जाती है साथ में, लेकिन स्पेशली आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, टेक, इकोनॉमिक्स, इन सब पर थोड़ा ध्यान देना होता है और इन्वायरमेंट इकोलॉजी पर भी, ठीक है। तो अब देखो, मैं आपको जो है एकदम सीक्वेंस में बताने वाला हूँ, पेपर वाइज रेंडमली नहीं बताने वाला हूँ। देखो, मेंस में आपका जो फर्स्ट पेपर होता है वो होता है एसए का पेपर। तो एसए के जो नोट्स हैं, बुक लिस्ट स्पेशली एसए के लिए कुछ नहीं होती है, तो एसए के लिए आपको जो कुछ भी पढ़ना होता है, जो मटेरियल चाहिए होता है, वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहां से आप कर सकते हो।
अब जब हम जी मेंस के सेकेंड पेपर में जाते हैं तो सेकेंड पेपर होता है जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर, जिसमें आपसे पूछा जाता है भारतीय विरासत और संस्कृति, जो भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल यानी कि यूं कहूँ तो भूगोल, और जो समाज है वो। तो इसमें अब सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री के लिए देख रहे हैं। मैं बहुत ही बेसिक से एनसीईआरटी से उठाकर देख रहा हूँ। अगर एनसीईआरटी की बात करूँ तो सबसे पहले एनसीईआरटी होती है क्लास सिक्स की एनसीईआरटी, हमारे अतीत पार्ट वन, यानी कि ये एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये क्लास सिक्स की। उसके बाद में क्लास सेवन की जो मिडाइवल हिस्ट्री के लिए काम आएगी, हमारे अतीत पार्ट सेकेंड। और उसके बाद में एनसीईआरटी की क्लास एट की, हमारे अतीत पार्ट थर्ड, जो आपकी मॉडर्न के लिए काम आएगी। देखो मेरे पास में वैसे तो ज़्यादा बुक्स नहीं है, क्योंकि ये सारी बुक्स तो मैंने जो है अपने यहाँ पर जो भी पढ़ते हैं मेरे फ्रेंड्स जो छोटे बड़े, तो मैंने उनसे मांग कर लाई हैं और मैं उसी से पढ़ लेता हूँ, अपना काम भी चला लेता हूँ, और जब मेरा काम हो जाता है मैं उनको वापस दे देता हूँ पढ़ के। तो अब हम आते हैं स्टैंडर्ड बुक्स पर। एनसीईआरटी को मैंने आपको बता दिया कौन सी पढ़नी है, और फिर आते हैं स्टैंडर्ड बुक्स पर। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना है ये बुक, ठीक है। यह है रामशरण शर्मा, जिसे हम शॉर्ट में आरएस शर्मा भी कहते हैं। ये एंशिएंट हिस्ट्री के लिए है, तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। इस बुक को पढ़ने के बाद इसको साथ में पढ़ना है ना, एनसीईआरटी के साथ में। फिर उसके बाद में देखो मिडाइवल के लिए पहले दिखा दूँ। मिडाइवल के लिए आती है मध्यकालीन भारत, सतीश चंद्रा, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से कवर करना है, ठीक है। और मॉडर्न के लिए मैं बात करूँ तो आधुनिक भारत, विपिन चंद्रा। फिर इनकी एक इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के लिए भी आती है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आप पढ़ लेना। उसमें से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ने हैं, जब आप पढ़ोगे तो आप वापस बता देना, मैं आपको जो है बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। देखो मॉडर्न के लिए कुछ लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना चाहिए, देखो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा यही कहना आप इसे पढ़ लो, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पर काफ़ी अच्छी समझ आ जाएगी, काफ़ी अच्छी पकड़ आ जाएगी, तो इसे हेल्प हो जाएगी। तो ये हिस्ट्री के लिए। अब हम चलते हैं सोसाइटी के लिए। देखो सोसाइटी को आपको कहाँ से कवर करना है, तो उसके लिए मैं स्पेशली आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि सोसाइटी के लिए आपको कोई बुक लिस्ट वगैरह नहीं चाहिए होती, आपको बस किसी भी एक कोचिंग के नोट्स से हो जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको नोट्स दे दूँगा। और फिर आते हैं ज्योग्राफी के लिए। आप देखो ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास में एक एटलस होनी चाहिए, हर बार 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस बार की बात करूँ तो इस बार तो मुझे वो गाना आ रहा है कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यानी कि स्पेक्ट्रम से भी जितने क्वेश्चन पूछने चाहिए थे उससे ज़्यादा क्वेश्चन एटलस से जुड़े हुए थे, तो एक एटलस होनी चाहिए, और एटलस पर आपकी अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। देखो मैंने तो जहाँ जहाँ मेरे को ज़रूरत पड़ती है मैं वहाँ पर अच्छे अच्छे से इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाकर डाल देता हूँ, ताकि जब भी पढ़ना होता है तो मैं पढ़ लेता हूँ। तो एटलस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, एकदम अच्छी, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी पर, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी, तो इसके पास में भी आपके पास में एक बुक होनी चाहिए, और ये बुक है क्लास 11th की। वैसे तो देखो बहुत सारी बुक आती हैं, अगर आप थोड़ी सी इंग्लिश समझ लेते हो तो माजिद हुसैन भी चल जाएगी, नहीं तो सविंदर सिंह की भी बुक आती है, वो भी पढ़ सकते हो। तो फिर यहाँ पर आपको एक बुक चाहिए, तो मेरा यही कहना आप बस एनसीईआरटी को पढ़ लो, बाकी मैं आपको एक जो बुक लिस्ट है ज्योग्राफी के लिए, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, वो प्रोवाइड करूँगा, तो वो आप देख सकते हो, उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये बुक आप पढ़ सकते हो, ये हो गई फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद में ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो एक बार यूपीएससी ने ट्रक फार्मिंग पर क्वेश्चन पूछा था, वो यहीं से पूछा था, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से ह्यूमन ज्योग्राफी। देखो इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप चाहो तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसे पढ़ सकते हो। लेकिन फिर मैंने कहा क्योंकि मैंने जो बुक है वो अधिकांशतः यहीं से आपने किसी फ्रेंड से लेकर पढ़ी है, तो वो मैंने वापस दे दी। लेकिन ये बुक जो है ना, मैं मेरे पास में पढ़ी थी, लाइब्रेरी की बुक है ये, मैंने ये भी मेरी नहीं है, आप लोग देख सकते हो गिफ्टेड बाई, ठीक है, तो ये भी मेरी नहीं है, तो आप फिर इसे पढ़ सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है महेश कुमार बर्णवाल सर की, इंडिया की जो ज्योग्राफी है उस पर, तो काफ़ी डिटेल के साथ में इसमें बताया गया है, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसको पढ़ने के बाद भी आपको इंडियन ज्योग्राफी के लिए कोई दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए इतना काफ़ी है। अब हम आते हैं जनरल स्टडीज़ के सेकेंड पेपर और मेन्स के थर्ड पेपर पर। तो जनरल स्टडीज़ के सेकेंड पेपर में हमसे पूछा क्या क्या जाता है, सबसे पहले हमें पूछा जाता है शासन व्यवस्था, फिर शासन प्रणाली, फिर सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सब पूछे जाते हैं। 250 मार्क्स का ये भी पेपर होता है। तो देखो इंडियन पॉलिटी के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, आपको क्लास 11 की ये पुस्तक पढ़नी होती है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इससे आपको काफ़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, आप समझ पाओगे जो पॉलिटी को क्या क्या पॉलिटी में है। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको, देखो मैं दिखा देता हूँ अंदर से एक बार,
तो आप समझ पाओगे। तो देखो हर एक चैप्टर पर आपको थोड़ी डिटेल से एनालिसिस दे रखी है, तो इससे आपको एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी जो आपकी मेंस में हेल्पफुल रहेगी, मेंस में आंसर राइटिंग में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ चलते हैं। तो देखो दो बुक्स आपके पास में हो सकती हैं, वैसे तो बहुत सारी हो सकती है लेकिन मैं ये दो ही कहूँगा, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। देखो ये तो सभी पढ़ते हैं, भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और काफ़ी अच्छी पुस्तक है, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप चाहो तो ये भी पढ़ सकते हो। देखो इसको पढ़ोगे तो आपका गवर्नेंस कवर नहीं होगा, लेकिन इसको पढ़ोगे तो आपका गवर्नेंस भी कवर होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। ठीक है, तो जब इस बुक पढ़ोगे आप तो इसमें आपको जो है ना गवर्नेंस भी कवर होगा, और साथ ही में इस बुक में जो समझा रखा है ना वो काफ़ी लेवल से समझा रखा है, यानी कि विद्यार्थी अच्छे से समझ पाए हैं फ्रेंड्स, उस लेवल से समझा रखा है एक बहुत ही बेहतरीन वे में एज ए स्टोरी की तरह। लेकिन इस बुक में ना इसमें आपको फैक्ट बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जबकि इसमें आपको फैक्ट मिलेंगे लेकिन वो किस तरीके से मिलेंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे, वो इस तरीके से फैक्ट फाइल के तहत मिलेंगे, तो इसलिए आपकी काफ़ी हेल्प होगी, साथ ही साथ गवर्नेंस भी यहीं से कवर हो जाएगा। तो देखो ये, और आईआर के लिए भी मैं बात करूं तो देखो आईआर के लिए कोई स्पेशली बुक नहीं आती है, लेकिन आप चाहो तो किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हो तो उससे हेल्प हो जाएगी। मैं प्रेफर करूंगा राजेश मिश्रा सर के ही नोट्स आते हैं बुक फॉर्मेट में, तो वो आप पढ़ सकते हो, और बाकी स्टडी आईक्यू दृष्टि इन सब के जिसके भी नोट्स आपको बेहतरीन लगे वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर सोशल जस्टिस की बात करूं तो सोशल जस्टिस के लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा SS पांडे सर के, तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ले लोगे। तो ये जनरल स्टडीज़ के सेकेंड पेपर पर हो गया। अब हम चलते हैं मेंस के फोर्थ पेपर पर और GS के थर्ड पेपर पर। तो देखो जब हम GS के थर्ड पेपर पर आते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन है। लेकिन यहाँ पर आपको देखो अगर मैं बात करूँ साइंस एंड टेक के लिए, तो यहाँ पर आपको कोई भी स्पेशली बुक नहीं पढ़नी होती है, लेकिन देखो मैंने NCERT के कुछ चैप्टर निकालकर अपने टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट डाल रखे, तो वहाँ से आप ये चैप्टर पढ़ सकते हो और फिर जो है किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, ये साइंस एंड टेक के लिए हो गया। फिर इकोनॉमी के लिए देखो विवेक सिंह आती है, रमेश सिंह आती हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, लेकिन उससे पहले आप कोशिश कीजिएगा क्लास 11-12 की जो NCERT वो पढ़ लेना। ठीक है, तो काफ़ी हेल्पफुल होगी, विशेष से क्लास 11 की जो भारत के आर्थिक विकास से जुड़ी हुई तो उसको पढ़ लेना। फिर बायो जो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट है तो इसकी बात करूँ तो इसके लिए आपको कोई बुक नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ क्लास 12 के जो एंड में फोर चैप्टर हैं और जो मैंने यहाँ पर जो स्लाइड डाल रखी है वो स्लाइड और साथ ही साथ में किसी भी एक कोचिंग के नोट्स पढ़ने होते हैं तो यहाँ पर ये पढ़ने होते हैं। ठीक है, और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी कोई भी बुक या नहीं पढ़ना होता है, आप जो है किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हो, ज़्यादा नोट्स नहीं होते हैं इसके तो वो पढ़ सकते हो। ठीक है, और इंटरनल सिक्योरिटी की बात करूँ तो उसके लिए भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना। तो मेनली बात करूँ तो देखो GS के जो थर्ड पेपर है ना वहाँ पर आपको देखो साइंस एंड टेक के लिए या फिर विशेष से सिर्फ इकोनॉमी के लिए कोई बुक पढ़नी होती है, बाकी सबके लिए अगर आप नोट्स पढ़ते हो तो हो जाता है, इनके लिए कोई स्पेशली बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, फिर देखो अब आते हैं GS के फोर्थ पेपर और मेंस के पेपर नंबर 5 पर। अब देखो जब मैं बात करूं एथिक्स की तो एथिक्स में जो बुक आती है वो लेक्सिकॉन की आती है, काफ़ी अच्छी बुक आती है, लेकिन इस बुक की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी हार्ड है, टफ है, आपको थोड़ी समझने में इश्यूज होंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा तो इसकी बजाय आप किसी कोचिंग के नोट्स, अगर मैं हिंदी मीडियम में बात करूँ तो आप या तो दृष्टि के या विजन के नोट्स पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप धर्मेंद्र सर के जिन्होंने KGS में इस बार पढ़ाए हैं तो उनके नोट्स पढ़ सकते हो, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, आपके आंसर सोल्व हो जाएंगे उससे। तो ये हो गए आपके सारे मेंस की मैंने बुक लिस्ट बता दी किस तरीके से होना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आप इसको कवर करेंगे कम समय में, किस तरीके से एक दिन में कितने सब्जेक्ट लेकर चलने चाहिए, किस सब्जेक्ट को पहले कवर करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को बाद में कवर करना चाहिए, इन सब इश्यूज पर आते हैं। और अभी तक अगर आप वीडियो पर बने हो तो प्लीज़ कमेंट करना आपने अभी तक क्या क्या जो है समझा है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। वो लाइन वापस याद करो, देखो हम लोग UPSC के कोई रिश्तेदार तो हैं नहीं, कि हमने जिस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर किया है UPSC उसी से जो है क्वेश्चन पूछेगी ज़्यादा, तो ऐसा तो होना नहीं है। तो हमें सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना है, लेकिन भाई UPSC का सिलेबस इतना बड़ा है, अगर सब कुछ को रटने, अच्छे से समझने, सब कुछ को अच्छे से कवर करेंगे तो फिर तो कुछ भी कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री को कवर करोगे, अब जब तक ज्योग्राफी को कवर करोगे तब तक हिस्ट्री भूल जाओगे, तो ऐसा तो होता रहेगा। लेकिन हाँ, एक अच्छा वेटेज हमें देते रहना चाहिए हर सब्जेक्ट को। तो देखो अब हमें हमारी UPSC की प्रिपरेशन की शुरुआत करनी चाहिए सबसे पहले हिस्ट्री से। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री से ही क्यों, क्योंकि देखो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप पॉलिटी भी समझ पाओगे, आप जो है इकोनॉमिक्स भी समझ पाओगे,
अब बहुत सारे, क्योंकि कहते हैं ना हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट की जननी होती हैं, तो इसीलिए जब आप हिस्ट्री को पढ़ोगे, लेकिन आप लोग ये भी कहोगे भाई इस बार तो हिस्ट्री का वेटेज भी कम था, तो हिस्ट्री से शुरुआत करना गलत तो नहीं हुआ, ऐसा कदापि नहीं है। आप एक बार स्टार्ट करो फिर बताना अगर आपको सही नहीं लगे तो, क्योंकि अभी तो जीएस का जो जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर है, यानी कि यूँ कहूँ तो मेंस का सेकेंड पेपर है, वो होना अभी बाकी है, तो वो होने दो, फिर बताना कि हिस्ट्री पढ़ना सही है या गलत है, ठीक है ना। तो देखो जब आप हिस्ट्री को एक बार अच्छे से कवर कर लो, तो उसके बाद में आपको दो सब्जेक्ट जो पढ़ने चाहिए वो हैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ठीक है, ठीक है, इकोनॉमिक्स। तो इन दोनों सब्जेक्ट को आपको कवर करना चाहिए। देखो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें आपको अच्छे से कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए इसको हिस्ट्री के जस्ट सेकेंड बाद स्टार्ट कर देना चाहिए। और देखो एक दिन में आपको दो सब्जेक्ट कवर करने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखो दो सब्जेक्ट करोगे फिर आप करंट भी पढ़ोगे, फिर आप PYQ भी सोल्व करोगे, क्योंकि डेली का रूल बना लो कम से कम 10 प्रीलिम्स के PYQ तो फर्स्ट डे से ही स्टार्ट करना सोल्व कर दो जब आपने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया है। तो मैं जानता हूँ फर्स्ट दिन से आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन आप ये तो समझ पाओगे ना UPSC में से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से, क्योंकि आप उनसे जो है PYQ से फेमिलियर हो जाओगे तो समझ पाओगे, आपको वो माइंड में बैठ जाएंगे। फिर आप एक ऐसा समय आएगा कि आप ये प्रिडिक्ट कर पाओगे कि इस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन UPSC बना सकती हैं, तो ये PYQ से आपको मिलेगा। सबके बाद में आपको जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, वो एक तो ज्योग्राफी स्टार्ट करना चाहिए और एक इकोलॉजी और इन्वायरमेंट स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। दो दो सब्जेक्ट के सेगमेंट को आपको लेकर चलना चाहिए। ये दोनों सब्जेक्ट का आपस में काफ़ी फेमिलियर हैं, तो इन दोनों को साथ में करोगे तो काफ़ी जो जुड़ाव लगेगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। हालांकि देखो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े टफ होते हैं, समझ में कम आते हैं, इस बार के पेपर की भी बात करूँ तो यही कंडीशन रही, लेकिन हाँ आपको जो है कुछ कुछ क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे और समझ में भी आने लगे। नॉर्मली अगर 15 क्वेश्चन आएंगे तो आप जो है 8 से 10 क्वेश्चन तो सोल्व कर पाओगे आराम से। इसके बाद में आप स्टार्ट कीजिए, कर दीजिए साइंस एंड टेक और एक कोई भी सब्जेक्ट। देखो अगर PT में काफ़ी समय है तो आप एथिक्स कर सकते हो, और अगर PT में समय नहीं है तो एथिक्स को आप छोड़ सकते हो। फिर देखो इन सब के बाद में बात करूँ तो जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, सोसाइटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा अब आपको पढ़ना शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर आपका प्री नज़दीक आ गया तो इन सबको स्किप कर दो, क्योंकि बात करूँ तो देखो इंटरनल सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं 15 दिन का मुद्दा है, सोसाइटी भी ज़्यादा नहीं 10 से 15 दिन का है, डिजास्टर मैनेजमेंट 2 से 3 दिनों का है, तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर प्री नहीं आया है, आपके पास काफ़ी समय है अभी 4 से 5 महीने, क्योंकि देखो अभी CSET भी तो आपको करना है, तो उसके लिए भी तो कुछ ध्यान देना है, तो CSET देखो आपको जनवरी से स्टार्ट कर देना चाहिए, आपको रोज़ से 2.5 से 3 घंटे फिर CSET को देने शुरू कर देने चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने सिलेबस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर सकते हो। और नॉर्मली देखो मैं बात करूँ ना, अगर अच्छे से बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना चाहो तो आप जो है 15 महीने में कर सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से। लेकिन अगर आपके पास में समय नहीं है और आप काफ़ी कम समय में करना चाहते हो, तो नॉर्मली मैं कहूँ अगर आप कंटिन्यू पढ़ने वाले हो, हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ते ही हो, तो जो है आप अच्छे से 12 से 13 महीने में इसे कर दोगे। फिर सबसे बड़ी जो पीर आती है वो आती है हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपको फर्स्ट डे से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, जब आप GS के 2 से 3 सब्जेक्ट कर चुके हो तो अब आपको ऑप्शनल स्टार्ट कर लेना चाहिए। और अगर आपका ऑप्शनल ऐसा है कि वो GS से जुड़ा हुआ ये मान लो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, PSIR है, तो इस तरीके का ऑप्शनल है तो आपको वो GS में भी हेल्प कर देगा, तो फिर आपको GS में उसे नहीं पढ़ना चाहिए, सीधे उसे ऑप्शनल में पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपका ज्योग्राफी जैसा कोई ऑप्शनल है तो इसमें आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे ऑप्शनल के सिलेबस में नहीं है लेकिन वो GS के सिलेबस में है, तो फिर यहाँ आपको थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफोर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपकी देखो मैंने अच्छे से बताने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो।